हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपके फ़ोन में भी फाइल मैनेजर नहीं चल रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं कि आप बहुत ही आसान स्टेप में इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो माई फाइल्स का ऑप्शन आपके फ़ोन में होता है, या फिर आप हो सकता है कोई और फाइल मैनेजर यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, उस पर लॉन्ग प्रेस कर देना उस फाइल मैनेजर में, ठीक है ना। इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस तरह से आई का बटन आपको शो करेगा, तो इस आई बटन में ही क्लिक कर देना होता। आप यहाँ पर आ जाते हैं, देख सकते हैं ऐप इन्फो में आ जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप फोन की सेटिंग में भी जाकर, यहां पर फोन की सेटिंग में जाकर ऐप्स के ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं, ऐप्स के ऑप्शन में जाकर आप यहां पर माय फाइल सर्च कर देंगे, जो भी फाइल मैनेजर आपके फोन में होगा वो नाम लिख दीजिएगा, तो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से दोनों तरीके से मैंने दिखाया कि यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करने हैं, जिसे आप कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका फाइल मैनेजर रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको एक सेटिंग करनी होती है और आपका माई फाइल से नहीं, आपका फाइल मैनेजर रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा, वर्क करने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता, मिल जाता है स्टोरेज का, स्टोरेज पर ही आपको क्लिक करना होता है। स्टोरेज के ऑप्शन में आप जैसे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है दोस्त क्लियर कैसे का, तो क्लियर कैसे पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कैसे पर आप क्लिक करेंगे, क्लियर डाटा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा, नहीं कि आपका फाइल मैनेजर को फिर से आपको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर सारा डाटा उड़ जाएगा। तो क्लियर डाटा मत करिएगा, क्लियर कैसे करना है, ठीक है। तो क्लियर कैसे कर देंगे यहाँ से, अब यहाँ पर दोस्त अब आ जाता है ऑप्शन एक फोर्स स्टॉप का, तो एक बार फोर्स स्टॉप करेंगे और इस तरह से एक बार फोर्स स्टॉप करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आप जब आप बाहर जाएंगे देख सकते हैं और माई फाइल्स को ओपन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं माई फाइल्स को ओपन करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। अब यदि आपका रिस्पॉन्ड यहाँ पर अंदर नहीं कर रहा, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आप कोई भी फोल्डर्स आप ओपन कर दीजिए, सब कुछ ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और दोस्तों, आपका फाइल मैनेजर फिर भी काम नहीं कर रहा, माई फाइल्स काम नहीं कर रहा, तो आपको सिंपल यही फाइल का नाम डालना है प्ले स्टोर में और देखना कोई अपडेट तो नहीं आया है। यदि अपडेट आया तो उसे अपडेट कर देना है। जैसे देख सकते हैं माई फाइल्स या जो भी आप फाइल्स मैनेजर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि उस पर कोई अपडेट तो नहीं आया, जो भी आप फाइल मैनेजर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उससे पहले ओपन कर लीजिए, यहाँ से बहुत सारे फाइल मैनेजर होते हैं, तो आपके फ़ोन में कौन सा पहले उससे देख लीजिए और वही एप्लीकेशन को जाकर अपडेट करिए, ठीक है। तो अपडेट कर देंगे तो आपका फाइल मैनेजर अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगेगा, सब कुछ काम करने लगेगा। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिला होगा, हेल्प मिलता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।